हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टिस्ना, सभी को मेरी प्यार भरे नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ दर्शना प्लान के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। उसकी केयर के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत प्लान, उसका लीफ कितनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, आप देख रही है। जिस प्लांट से कोई भी फूल नहीं खिलती है, लेकिन उसका लीफ ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस प्लांट ड्रेसना प्लांट की एक वैरायटी, मेरे पास अभी टू वैरायटी है। कुछ दिन पहले मैंने इस प्लांट को रोज मैंने बेलकनी में ही रखती हूँ। कुछ दिन से मेरी बेलकनी में धूप आती है, क्योंकि विंटर सीजन आ गई है और मेरी बेलकनी में धूप आ रही है, इसीलिए उसका पत्ते सूख गई है। आज ही मैंने उसको साव प्लेस में ले आया है। उसका लीव्स आप साफ करके रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लीफ है उसका। आप देख रही है कितनी खूबसूरत प्लांट, ड्रेसना प्लांट की एक वैरायटी। और एक वैरायटी आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन और पिंक है साइड में, कितनी खूबसूरत लीफ है उसका, आप देख रही है। एक ही पत्ते में तीन कलर है, आप देख रही है। सभी पत्ते अलग अलग कलर की है, आप ठीक से देखिए, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। उसका मिट्टी सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए। आप ग्रो कट जब करेगी उसी टाइम आप ऑर्गेनिक खाद दीजिए, गोबर खाद, नहीं तो आप भर्मी कंपोस्ट दे सकती है, कंपोस्ट। मैं ऐसे ही उसका लीफ साफ करके रखती हूँ, क्लीन करके रखना चाहिए। इस प्लांट को मैं सिर्फ में रखती हूँ, धूप में रखने से उसका लीफ सूख जाती है। आप उसको मंथली टू टाइम्स लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकती है, NPK 1 लीटर पानी में आधे चम्मच NPK घुल के दे सकती है मंथली टू टाइम्स। लेकिन मैं जब ज़रूरत होती है मैं ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ। समर सीजन में ग्रो का टाइम है, समर सीजन में कोई भी प्लांट में फर्टिलाइजर देने से सोचना पड़ता है, क्योंकि समर सीजन में फर्टिलाइजर देने से प्लांट मर भी सकती है, इसीलिए आप उसको ऑर्गेनिक खाद दे सकती है। ज़रूरत है तो तभी आप उसमें ऑर्गेनिक खाद दे सकती है। कंपोस्ट में नीम का खली, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग दीजिए। गर्मी सीजन में उसको ग्रो कीजिए। आप 10 इंच 12 इंच पॉट में उसको आसानी से लगा सकती है। उसको लगाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको ग्रो कर सकती है। बहुत जल्द रूट आ जाती है, आप कटिंग से उसको ग्रो कर सकती है। जब प्लांट पुरानी हो जाएगी तब नीचे से न्यू ब्रांच आएगी और उसी से आप उसको प्रोपेगेट कर सकती है।
ऐसे ही आप उसको केयर करके रखिए जैसे मैं कर रही हूँ, और आप आपका बेलकनी में उसको सजा के रखिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी विंटर सीजन आ रही है और उसका लीफ सूख भी जाएगी, लेकिन आप सेफ में रखने से कभी नहीं सूखेगी। समर सीजन में उसका लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती है। आप कभी कभी बारिश का पानी भी दीजिए, बारिश में रखिए, लेकिन गर्मी सीजन में उसको आप धूप मत दीजिए और केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं देना चाहिए। ऐसे ही केयर करके रहिए और आपका प्लांट खूबसूरत रहेगी ऐसे ही करने से। मैंने ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ। ऐसे केयर लेने से कोई भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं अभी उसको सेव में रखती हूँ। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज तक आपका घर में नहीं लाया तो ज़रूर लाइए और उसका खूबसूरती एंजॉय कीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ जिस लीफ सूख गई है, मैंने उसको काट दिया है, उसको ज़्यादा केयर की केयर नहीं चाहिए इस प्लांट को। लेकिन सेफ में रखने से उसका लीफ कभी ख़राब भी नहीं होती है, सूख भी नहीं जाती है। ऐसे ही उसको केयर करके रहिए। आज के लिए नमस्कार, फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।